हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र पहुंचे कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रविदास धर्मशाला में निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर लाडवा विधायक मेवा सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी में कोई भी गुटबाजी नहीं है, जबकि गठबंधन सरकार के बीच क्या चल रहा है ये सब जानते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल व गृह मंत्री अनिल विज की फूट पर चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और अनिल विज के बीच चल रही तकरार का अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है, जिसका खामियाजा पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। वहीं इस मौके पर सांसद ने जननायक जनता पार्टी पर भी तंज कसते हुए कहा कि जहां पर दुष्यंत चौटाला जाते हैं वहां पर तो उनकी पार्टी के विधायक तक नहीं पहुंचते। संगठन विस्तार को लेकर दीपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में मजबूती आई है और जब हमें उपयुक्त समय लगेगा तब हम संगठन की नियुक्तियां भी कर देंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस विश्वास के साथ हमें बहुमत मिलना चाहिए था उतना बहुमत नहीं मिल पाया है, मगर फिर भी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में अपना अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं इस मौके पर मंच से घोषणा करते हुए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर 2,00,000 खाली पदों पर प्रदेश में भर्तियां की जाएंगी, ना कि कौशल निगम की तरह कच्ची भर्तियां होंगी। जब हमारी सरकार आएगी तो सबको पक्की नौकरी दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में देश में सबसे ज्यादा बदनाम कोई सरकार हुई है तो वो है भाजपा जजपा सरकार। बीजेपी जेजेपी का समझौता 5100 बुढ़ापा पेंशन और 75% रिजर्वेशन का हुआ था, लेकिन सरकार बनने के बाद प्रदेश के मुखिया अपना वादा ही भूल गए। इसके साथ ही भाजपा जेजेपी पार्टी के आने के बाद हरियाणा में महंगाई का ग्राफ भी बढ़ा है। वहीं इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ और कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। जिनमें जो हमने हिस्सा लिया, पहले शिरोमणि संत श्री रविदास जी महाराज की रविदास जी महाराज धर्मशाला कमेटी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था, एक बहुत भव्य कार्यक्रम था, और उसके बाद पंजाबी सभा कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम यहाँ पंजाबी धर्मशाला में था, बाकी भी कई जगह हम जाएंगे। तो ये आज का हमारे कार्यक्रम था। बीजेपी ऐसा कह रही है कि आप लोगों में जो कांग्रेस में फूट है उसकी वजह से अब हम हरियाणा भी जीतेंगे और विधानसभा भी जीतेंगे, लोकसभा भी जीतेंगे। देखिए, फूट जहाँ कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी में आज ये स्थिति और इस सरकार में, बीजेपी में है और इस सरकार में है। सरकार में तो 2 गठबंधन है, बीजेपी जेजेपी का, लेकिन वो गठबंधन कैसा है हमें पता है। उचाना में बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि यहाँ से दुष्यंत नहीं लड़ेंगे, तो नारनौंद में कप्तान अभिमन्यु कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं लड़ेंगे। उसके बाद भाजपा के अंदर धनखड़ साहब का और खट्टर साहब का में कौन सी गुटबाजी है वो सबको पता है, विज साहब की और खट्टर साहब की क्या गुटबाजी है वो सबको पता है, आदमपुर चुनाव हुआ राव इंद्रजीत जी वोट भी मांगने नहीं आए वो सबको पता है, किशन पाल जी का क्या चल रहा है वो सबको पता है। तो भाजपा के अंदर इतनी भयंकर गुटबाजी और इस सरकार में बीजेपी और जेजेपी में इतना अंतर कले, और जेजेपी के अंदर की गुटबाजी की तो मैं जिक्र ही नहीं करूंगा, क्योंकि वहाँ उप मुख्यमंत्री जहाँ जाते हैं वहाँ इनके विधायक भी नहीं आते। ये स्थिति हो गई जेजेपी के अंदर, तो जिक्र भी करने लायक स्थिति नहीं है। तो अगर कहीं कोई गुटबाजी की कोई शिकार हुई है तो ये सरकार हुई। उदय भान जी का आज बयान है कि दिसंबर तक कार्यकर्ताओं की लिस्ट आ जाएगी और जो आपके कार्यकर्ताओं का संगठन भी तैयार हो जाएगा। उदय भान जी ने देखिए, मैं मुझे पूरा जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के संगठन की बात है, लगातार हमारे संगठन में समय समय पर हम सही फैसले ले रहे हैं हरियाणा में। ऐसे ही बाकी भी संगठन की प्रक्रिया जब हमें सही लगेगा, उपयुक्त समय हमारे हित में और हमारे हक में ये लगेगा कि ये समय सही है, तब मैं समझता हूँ कि कांग्रेस आला कमान सही समय पर आगे की नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी। लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव करवाए सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, गुटबाजी भी तैयार नहीं है। देखिए, ये मैंने आपको जवाब दे दिया, गुटबाजी है तो, अगर आपकी बात सही है गुटबाजी है तो बीजेपी में गुटबाजी जबरदस्त, धनखड़ साहब में और खट्टर साहब में क्या गुटबाजी है, विज साहब में और खट्टर साहब में क्या गुटबाजी है, राव इंद्रजीत जी क्यों नहीं जो है मुख्यमंत्री जी के कई प्रोग्रामों में जा रहे, और अगर गुटबाजी है तो बीजेपी और जेजेपी में गुटबाजी है। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी सारी बात, क्योंकि आप शायद तो समय आपने सुनी नहीं बात। सही बात है, इतनी भयंकर गुटबाजी है वो, दूसरी बात है कि अखबार में टीवी में वो गुटबाजी थोड़ी सी कम छाती है, क्योंकि भाई थोड़ा सा बीजेपी का मीडिया मैनेजमेंट आप मानो उसको क्या मानो,
आज के दिन जो परिस्थिति चल रही है और जो है आज के दिन कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में मजबूती से हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के लिए, हरियाणा को विकास के रास्ते पे लेके जाने के लिए संघर्ष कर रही है और कांग्रेस एकजुट है। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, कांग्रेस तैयार है इसके लिए? देखिए मैं ये जो अभी ऐसी चर्चाएं नहीं, एक बार मैं उनका ले लूँ, आपका भी ले लिया था, इसके बाद फिर ये भी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ तक अभी जो प्रदेशों के चुनाव के नतीजे आए हैं, ये सही बात है कि जो उम्मीद थी कुछ प्रदेशों में, उसके उम्मीद कांग्रेस पार्टी को उम्मीद के अनुसार कुछ प्रदेश नतीजा नहीं मिला। लेकिन जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा के संदर्भ में राजस्थान का जो चुनाव का नतीजा आया है, हरियाणा के साथ वाले सारी राजस्थान की शेखावटी बेल्ट, चाहे वो शेखावटी हो, चाहे साथ लगता अहिरवाल हो, पूर्णतः कांग्रेस पार्टी का स्वीप हुआ है। जयपुर तक, हरियाणा से लेकर, हरियाणा की सीमा से लेकर जयपुर तक 70 सीट हैं, 70 में से 50 सीट लगभग कांग्रेस पार्टी जीती है। शेखावटी में जो सिरसा और हिसार के साथ लगती, जो किसान बेल्ट कहते हैं, वहाँ पर राजस्थान में 34 सीट है, 34 में से 29 सीट, इतना प्रचंड बहुमत कांग्रेस पार्टी को शेखावटी इस बेल्ट में कभी नहीं मिला है वहाँ पर, ऐसा जो है। तो ये वही बेल्ट भी है जहाँ पर हुड्डा साहब की जिम्मेदारी लगी चुनाव प्रचार की, मेरी जिम्मेदारी लगी, और हम लोग जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार में गए, लगभग सारे उम्मीदवार वहाँ से अच्छे बहुमत से, बड़े बड़े मार्जिन से वहाँ जीत के आए हैं। और राजस्थान ओवरऑल भी अगर आप देखें तो 42% वोट उतनी आई है जितनी पिछली बार सरकार के समय आई थी, केवल 1.5-2% का फर्क आया है। और इसी तरीके से तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत हुई है। हमें विश्वास है कि हरियाणा में वही होगा, हरियाणा के लोगों की जनभावना के अनुसार मैं कह सकता हूँ, वही होगा जो हिमाचल में हुआ, जो तेलंगाना में हुआ और जो कर्नाटक में हुआ।